Hey guys, welcome to my YouTube channel Ron Dovin. In this video I will discuss two jobs opportunity, one from Cognizant and other from IBM. So I will discuss all eligibility criteria, selection process and exam pattern. Please watch this video till the end. Freshers are eligible and experienced candidate are also eligible. जो मैं फर्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, जो कॉग्निजेंट की तरफ से अपडेट आ रही है, यहाँ पे इन्होंने हायरिंग निकाला है कॉग्निजेंट आर्ट्स एंड साइंस ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट. सो आर्ट्स एंड साइंस स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है. सो ये मैं जॉब जो ड्राइव है वो 2019 एंड 2020 पास आउट स्टूडेंट के लिए है. सो यहाँ जो अभी जो इसकी जो हायरिंग प्रोसेस होने वाली है वो सब कुछ वर्चुअली होने वाली है. एमकेट प्लेटफॉर्म पे इसकी फर्स्ट असेसमेंट टेस्ट होगी. एमकेट प्लेटफॉर्म पे ही कॉग्निजेंट कंडक्ट करवाती है अपनी असेसमेंट टेस्ट. सो मैं आपको बता दूं कि आपको जो ये फॉर्म फिल करना है रजिस्ट्रेशन की, वो एमकेट प्लेटफॉर्म पर ही करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. एंड मैं आपको बता दूं कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है. सो 2019-2020 बैच यहाँ पे एलिजिबल है. सो दो जॉब रोल के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव है. फर्स्ट जॉब रोल IT प्रोग्रामर के लिए है एंड सेकेंड जॉब रोल मैं बता दूँ वो CIS ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए है. मैं दोनों जॉब रोल की डिस्कस करूँगा. फर्स्ट मैं आपको बता दूँ IT प्रोग्रामर ट्रेनिंग के लिए 2019-2020 बैच एलिजिबल है. BCA, BSc अगर आपने किया है IT कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक में, तो आप यहाँ एलिजिबल हो. PG कोर्सेज आर नॉट एलिजिबल, सिर्फ UG कोर्सेज एलिजिबल है. सो अगर आपका 10% एबव स्कोर है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो 10-12 डिप्लोमा एंड UG में, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट कंसिडर है. लाइक BCA स्टूडेंट तो सारे एलिजिबल है, BSc में ये सारे ब्रांच के स्टूडेंट एलिजिबल है. सो आपका यहाँ पे कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, 2 ईयर से ज़्यादा आपका एडुकेशन में गैप नहीं होना चाहिए. एंड मैं आपको बता दूँ कि ये यहाँ जो आपकी जो पैकेज होने वाली वो 2.52 लाख पर एनम की होने वाली है. सो एज ए फ्रेशर गुड पैकेज है. अगर आप 2020 बैच के हो, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो. आप BCA की हो, BSc की हो, फिर आप 2.5 लाख का पैकेज अच्छा होता है कॉग्निजेंट कंपनी में जॉब लाइक अपनी कैरियर स्टार्ट करने के लिए. यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस में बताऊँ वो ऑनलाइन असेसमेंट है, देन आपका वर्चुअल इंटरव्यू होने वाला है. सो आप ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करते हो जो कि एमकेट प्लेटफॉर्म पर होने वाला है, जहाँ आपसे एप्टीट्यूड पूछे जाएंगे. एंड देन आपका वर्चुअल इंटरव्यू होगा जहाँ आपका टेक्निकल राउंड होगा एंड HR राउंड होगा. यहाँ मैं जॉब डिस्क्रिप्शन की थोड़ी सी बात कर दूँ तो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट के एनालिसिस करने हैं और जो वहाँ के डिज़ाइन है उस पर आपको काम करना पड़ेगा. थोड़ा सा आपका कोडिंग का काम हो सकता है, माइनर कोडिंग चेंजेस, यूनिट टेस्टिंग का काम होगा, डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा. सो ये सारे आपके काम हो सकते हैं. यहाँ आपका यूनिट टेस्टिंग डेवलप से रिलेटेड आपका वर्क होने वाला है. जो सेकंड जॉब रोल की मैं बात करूँ वो CIS ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए है. यहाँ आर्ट्स एंड साइंस के स्टूडेंट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. सो 2019-2020 बैच के स्टूडेंट आर्ट्स एंड साइंस वाले जो है वहाँ यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ भी 50% की क्राइटेरिया है, 2 ईयर्स का गैप हो चल सकते हैं एंड आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए. एंड यहाँ इसकी भी जो सैलरी पैकेज है वो सेम है, 2.52 लाख पर एनम. एंड ये भी ऑनलाइन असेसमेंट फॉलोड बाय वर्चुअल इंटरव्यू एंड दोनों राउंड आपका एलिमिनेशन राउंड है. एंड यहाँ जो मैं जॉब रोल जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करूँ, सो यहाँ पे आपका थोड़ा सा जो जॉब होने वाला है, जो IT रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड आपका जॉब होने वाला है. आप जो प्रॉब्लम होते हैं उनको आप रिजॉल्व करोगे. सो ये थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट वर्क है. सो यहाँ पे आपको थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट काम करना पड़ेगा. एंड जो भी इश्यूज आते हैं ट्रबल शूटिंग एंड उसके सॉफ्टवेयर अपग्रेडिंग इंस्टॉलिंग, तो वो सब में जो भी ट्रबल एंड जो भी उसमें लाइक जरूरत पड़ते हैं प्रॉब्लम में, उसमें आपको हेल्प करना पड़ेगा एंड उससे रिलेटेड आपका जॉब होने वाला है. सो ये जॉब मे बी आपका 24/7 शिफ्ट में हो सकते हैं. सो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. आप जरूर इस जॉब के लिए अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल है एंड इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इस जॉब के लिए एलिजिबल है. एंड कॉग्निजेंट में दो जॉब अपॉर्चुनिटी है. जो सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूँ वो एसोसिएट रोल के लिए आ रही है. इसकी जॉब लोकेशन चेन्नई है. ये जॉब मैं बता दूँ इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सो अगर आपने बैचलर साइंस में किया है, लाइक आपने बैचलर साइंस में किया है एंड इंजीनियरिंग में भी किया है एंड उसके इक्विवेलेंट में किया है, तो आप यहाँ एलिजिबल हो, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ पे उन्होंने कोई यहाँ पे उन्होंने कोई बैचेस नहीं बताया है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा 2019-2020 एंड 2020 बैच स्टूडेंट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. मैं आपको बता दूँ कि इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है. तो आपको यहाँ पे एनालिसिस करनी पड़ेंगे, डिज़ाइन करने पड़ेंगे एंड कोडिंग करने पड़ेंगे. एंड उसके अलावा मैं बोलूँ कि टेस्टिंग का आपका काम होने वाला है एंड कॉन्फ़िगरेशन का काम होने वाला है, डिप्लॉयमेंट का काम होने वाला है एंड सर्विस सपोर्ट का भी काम होने वाला है. सो उसके अंदर क्या क्या चीज़ सब आते हैं वो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो. सो मैंने जस्ट बोला यहाँ पे मैं स्किल्स की बात कर दूँ. सो मस्ट हैव स्किल्स माइक्रोसॉफ्ट SSIS, सो ये आपको मस्ट है, ये आपको आनी चाहिए एंड गुड टू हैव, लाइक ये प्रेफर्ड है
मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको एसक्यूएल की आती है लाइक नॉलेज है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा, गुड टू हैव स्किल्स है। सो फुल टाइम जॉब है, डे जॉब है, ट्रैवलिंग कुछ नहीं है। सो जॉब पोस्ट अभी की है ये 31 मई को। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। यहाँ पे आपको पैकेज 4 to 5 lakh पर एनम मिलने वाला है एंड सब लोग एलिजिबल हो, सारे ब्रांच के स्टूडेंट एलिजिबल हो, सारे बैच के स्टूडेंट एलिजिबल हो। बट इसकी जॉब लोकेशन चेन्नई है, बट अभी वर्क फ्रॉम होम मिलने वाला है। सो आप इसके लिए अप्लाई करें, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। सो बैचलर इंजीनियरिंग यहाँ पे एलिजिबल है। सो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है वो IBM की तरफ से आ रही है। IBM ने यहाँ पर रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला है टेक्निकल इंजीनियर के लिए। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि फुल टाइम जॉब है, एंट्री लेवल जॉब है। सो कोई भी ग्रेजुएट फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, डिग्री स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। सो BE, BTECH एंड डिप्लोमा स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। 2019, 2020, 2021 पास आउट स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। यहाँ जो जॉब रोल होने वाला है वो टेक्निकल इंजीनियर का होने वाला है। सो सपोर्ट रोल आपका होने वाला है, आप टेक्निकल सपोर्ट का आपको रोल मिलेगा। एंड आपको लाइक यहाँ पे टिकट फॉर क्लाइंट सपोर्ट, ऑपरेशन लाइक स्टोरेज सिस्टम और सर्वर से रिलेटेड आपका काम होने वाला है। आप यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको आप चेंज करते हो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सॉफ्ट नेटवर्क सिस्टम में, तो उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे जॉब होने वाला है। उसमें जो भी प्रॉब्लम आते हैं, जो भी उस वहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सो उसके लिए आपको यहाँ पे जॉब रखा जाएगा। एंड भी यहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ जो रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल्स की जो यहाँ बात हो रही है वो टेक्निकल सपोर्ट स्किल्स में आपको लाइक आपको परसिस्टेंट होना चाहिए, आपको पेशेंस आप में होनी चाहिए। लाइक जब आप क्लाइंट से बात करते हो तो वो लाइक सारे क्लाइंट अलग अलग ढंग से आपसे जो उनके क्वेरी रहते हैं, जो उनके प्रॉब्लम रहते हैं, उनको आप कैसे सॉल्व करते हो। एंड आप उनके जो उनको जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी लाइक सॉफ्टवेयर है उसमें उनको कैसे उनको डील करना है, वो सब थोड़ा सा आपको आनी चाहिए। एंड मैं आपको बता दूं कि जो प्रेफर्ड टेक्निकल लाइक स्किल्स यहाँ पे है, सो अगर आपको मैनेजमेंट का स्किल्स है या फिर आपको अप टू डेट टेक्निकल नॉलेज है एंड अटेंडिंग एडुकेशनल वर्कशॉप, तो इस ये सब अगर आपको आता है या फिर कुछ आपको एनालिटिकल एबिलिटी है पॉजेस लाइक अगर आप में वो चीज़ है तो आपको मे बी प्रेफरेंस मिल जाएगा प्रेफर्ड टेक्निकल में, आप ये देख सकते हो। सो इसके लिए कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। सो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप यहाँ जरूर अप्लाई करें। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है कॉग्निजेंट एंड IBM की तरफ से, आप जरूर अप्लाई करें। एंड जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है उसके साथ जरूर ये वीडियो शेयर करें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।